रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं उमर व्लॉग यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद उमर। दोस्तों आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। आज के व्लॉग में मैं आया हूं अपने कॉलेज ज़मींदार पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गुजरात में, और हमारे एरिए का सबसे बेहतरीन और फेमस कॉलेज है। थोड़ा सा झलकियाँ आपको दिखाता हूँ अपने खूबसूरत कॉलेज की, ज़मींदार कॉलेज की। कॉलेज में ये कब्र है नवाबजादा साहब की, जिनने ये ज़मींदार कॉलेज बनाया था, और ये ज़मींदार कॉलेज का मेन गेट है जो अभी बंद है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स दूसरे गेट से आते हैं। गेट चूज़ किया जाता था, ये गेट था और ये मेन दरवाज़ा ज़मींदार कॉलेज का। ये है जी हमारा प्यारा कॉलेज ज़मींदार कॉलेज, ज़मींदार पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। इसका मेन गेट पहले ये हुआ करता था, जिसके दोनों जानब इसकी मुकम्मल इसके बारे में लिखा हुआ है, ये कब बना था और कब गवर्नमेंट पंजाब के अंडर आया था। ये इस तारीखी कॉलेज का ओल्ड गेट हुआ करता था, अब तो इसका कॉलेज का गेट दूसरी जानब है। और ये नवाबजादा साहब की कब्र। ज़मींदार कॉलेज की मॉस्क है, मस्जिद है, आपको दिखाते हैं। अभी बंद है इसका रास्ता दूसरा है। और ये खूबसूरत मस्जिद, और वो जो सामने गेट है ये भी यूज़ किया जाता है कॉलेज से आने के लिए बॉयज़ के लिए। और ये बाकी सारा कॉलेज, ये सामने अगर जाएं तो ज़मींदार स्कूल है, पिछली तरफ पार्किंग है ज़मींदार बॉयज़ के लिए। ये देखें वक्त गुजर जाता है और यादें रह जाती हैं। ये पीछे ग्राउंड होता था हमारे ज़मींदार कॉलेज का, यहाँ दोस्तों के साथ बैठना, ये मेरे पीछे ये मस्जिद, और ये इस तरफ पार्किंग हमारी होती थी। अच्छा टाइम हमारा गुजरा है, बहुत अच्छी यादें हैं हमारे साथ। ये पीछे है ग्राउंड, और ये हमारे एरिए की सबसे खूबसूरत और फेमस मस्जिद भी ज़मींदार कॉलेज के अंदर बनाई गई है। ज़मींदार कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर से लेकर MA MSc तक स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस मौजूद हैं। उसके बाद आप स्कूल भी ज़मींदार कॉलेज में हैं, आप पहली क्लास से लेकर यहाँ से मास्टर डिग्री हासिल करके जा सकते हैं। उसके बाद बहुत बड़ी मस्जिद आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये भी ज़मींदार कॉलेज का हिस्सा है। ज़मींदार कॉलेज हमारे एरिया की जान है, कि हमारी यादगार पार्किंग ज़मींदार कॉलेज की। ज़मींदारियंस को इस जगह का अच्छे तरीके से पता होगा, ये सारी पार्किंग ज़मींदार कॉलेज की। आज काफ़ी देर बाद ज़मींदार कॉलेज चक्कर लगा तो सोचा अपने कॉलेज की पुरानी मेमोरीज़ को कैमरे की आँख में बंद किया जाए। क्लासरूम ज़मींदार कॉलेज के इस तरफ से आपको दिखा रहा हूँ, और ये पार्किंग है जिधर टीचर्स की गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं। और ये सामने है ज़मींदार पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के साथ एक मुल्हिका ज़मींदार स्कूल। और ये सामने देखिए क्लासेस हो रही हैं। ये मेन एडमिन ब्लॉक है जी हमारे कॉलेज का, और ये आर्ट्स ब्लॉक है सामने, और ये कॉलेज का मेन गेट जो अभी यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स के लिए। ज़मींदार कॉलेज का मेन जो रोड है ब्लॉक की तरफ जाता है, वो सामने आपको लाइब्रेरी नज़र आ रही होगी। ये हमारी जब यहाँ हम पढ़ते थे तो बहुत ज़्यादा रौनक होती थी, अभी छुट्टी हो चुकी है, कॉलेज बिल्कुल खाली है। और ये सामने है जी एडमिन ब्लॉक, फेमस ज़मींदार कॉलेज का एडमिन ब्लॉक। ये आप देख रहे हैं ज़मींदार कॉलेज ब्लॉक देख रहे हैं, इसे कहते हैं कायदे आज़म ब्लॉक। ये साइंस स्टूडेंट्स के लिए ये ब्लॉक है, और ये सामने ज़मींदार कॉलेज की लाइब्रेरी, और ये हमारा कॉलेज सामने, ये खूबसूरत दरख्त। बहुत खूबसूरत कॉलेज है हमारे एरिए का, सबसे ज़्यादा खूबसूरत कॉलेज है ज़मींदार कॉलेज। ये कॉलेज कम और पार्क ज़्यादा है, ये देखिए ग्रीनरी कितनी ज़्यादा है।
कॉलेज से अभी छुट्टी हो चुकी है, सेकंड टाइम हम आए हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ अपने कॉलेज की। सो अगर आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरी हसीन यादें थी अपने कॉलेज के साथ। आज मैं अपने कॉलेज आया था तो सोचा आपको भी अपना कॉलेज दिखाता हूँ और अपनी मेमोरीज़ कुछ शेयर करता हूँ। अगर आप गुजरात एरिया में रहते हैं और आप अच्छी स्टडी हासिल करना चाहते हैं तो आप ज़मींदार कॉलेज में एडमिशन लें, आपकी मेमोरीज़ भी बहुत अच्छी बनेंगी और स्टडी भी बहुत अच्छी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में याद रखें।